अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी डिलीशियस सी रेसिपी ट्राई कलर पनीर सैंडविच की, और जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत फटाफट ये बन जाती है। तो इसके लिए हमने क्या क्या सामान लेना है देख लीजिए। हमने लिया है गाजर, एक गाजर है जिसको हमने ग्रेट कर लिया है, और ये लिया है हमने कुकुम्बर, कुकुम्बर को भी हमने ग्रेट कर लिया है, और पनीर, पनीर को भी हमने ग्रेट कर लिया है। ये तीनों चीज़ें हमने 1/4 कप लिया है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने लिया है ग्रीन चटनी, टोमेटो केचप, और ये हमने लिया है मिंट मेयोनीज, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। इसकी रेसिपी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पर नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगर आपके पास मिंट मेयोनीज नहीं है तो आप जो नॉर्मल वेज मेयोनीज होती है उसमें ग्रीन चटनी मिक्स कर देंगे धनिया पुदीना की, तो आपकी ये मिंट मेयोनीज तैयार हो जाएगी। और ये हमने लिया है बर्गर मेयोनीज। अगर आपके पास बर्गर मेयोनीज नहीं है या अभी तक आपने मेरे चैनल पर बर्गर मेयोनीज की रेसिपी नहीं देखी है तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपके पास बर्गर मेयोनीज नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप जो वेज मेयोनीज है उसमें टोमेटो केचप मिक्स कर लें तो ये भी आपका रेडी हो जाएगा। और साथ ही साथ हमने लिया है वेज मेयोनीज, और थोड़ा सा हमने लिया है बटर, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही साथ हमने लिया है कुछ ब्रेड के स्लाइसेस, ये ब्रेड के स्लाइसेस हमने सैंडविच ब्रेड लिए है। अगर आप सैंडविच ब्रेड आप नहीं यूज़ करना चाहते तो नॉर्मल ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, उसके आप किनारे कट कर लीजिएगा तो ये आपकी सैंडविच ब्रेड रेडी हो जाएगी। और इसी के साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी ब्लैक पेपर पाउडर की, जो हम हसबे ज़रूरत ले लेंगे, और थोड़ा सा हमें चाहिए होगा नमक, नमक हमें 2 चुटकी ही चाहिए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्राई कलर पनीर सैंडविच बनाना। चलिए स्टार्ट करते हैं सैंडविच बनाना। ये जो हमने गाजर लिया है ग्रेट करके, इसमें हम मिक्स कर देंगे बर्गर मेयोनीज। बर्गर मेयोनीज में हमने गाजर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर आपके पास बर्गर मेयोनीज अवेलेबल नहीं है तो आप 2 टेबल स्पून वेज मेयोनीज की लेकर उसमें 2 टीस्पून टोमेटो केचप मिक्स कर लें, और फिर इसे आप गाजर में मिक्स कर लें तो ये आपकी बहुत ही कलरफुल सा अमेजा तैयार हो जाएगा गाजर का। इसको एक साइड में रखेंगे। और ये हमने लिया है कुकुम्बर, जिसको हमने ग्रेट कर लिया था, और जब हमारी ये मिंट मेयोनीज है ये भी इसमें कुकुम्बर में मिक्स कर देंगे। और फिर हम आपको यहाँ बताते चलते हैं कि अगर आपके पास मिंट मेयोनीज नहीं है तो आप जो नॉर्मल वेज मेयोनीज है 2 टेबल स्पून वेज मेयोनीज ले लीजिए, और उसमें आप 2 या 3 टीस्पून मिंट चटनी की डाल लीजिए तो आपका ये कलरफुल सा अमेजा आपका भी रेडी हो जाएगा। इसे भी मिक्स कर लेंगे। फ्लेवरफुल कलरफुल मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है, इसको भी एक साइड में हम रख देंगे। और अब बारी आती है पनीर की। तो पनीर में हम डालेंगे ये हमारी वेज मेयोनीज, तो हम वेज मेयोनीज में डाल देते हैं अपनी ग्रेट की हुई पनीर। वेज मेयोनीज हमने लिए 2 टेबल स्पून, और साथ ही साथ इसमें हम डाल देंगे 2 चुटकी नमक, और 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। काली मिर्च की जगह अगर आप यूज़ करना चाहें तो वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, सफ़ेद काली मिर्च या जिसे दखनी मिर्च भी कहते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया और ये बहुत स्मूथ सा मिक्सचर तैयार हो गया है। इसको भी हम एक साइड में रख देंगे। और जो हमारे ब्रेड के स्लाइसेस हैं, ये हमने ब्रेड के स्लाइसेस 8 पीस लिए हैं, इन पर हम लगा लेंगे बटर। अगर आप बटर नहीं लगाना चाहते हैं, डायरेक्ट ऐसे सैंडविच बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये कि बटर लगाने से टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। हल्का हल्का हमने इस पर बटर लगा लिया। और सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ग्रीन चटनी। एक ब्रेड स्लाइस पे हम लगाएंगे ग्रीन चटनी, क्योंकि हमें तिरंगा का कलर देना है, इसलिए हम सबसे पहले सबसे नीचे रखेंगे ग्रीन चटनी का मिक्सचर, और इस पे हम लगा देंगे ये जो हमारा कुकुम्बर वाला मिक्सचर था इसको। एक ब्रेड स्लाइस को इस पे हम रख देंगे, और अब हम इस पे लगाएंगे ये जो हमारा पनीर मिक्सचर है वाइट कलर का।
इसको ब्रेड पे बराबर से पूरा स्प्रेड कर देंगे, एक ब्रेड स्लाइस इस पर और लगा देंगे। अब इस पर हम लगाएंगे टमाटो केचप। सैंडविच देखने में जितना खूबसूरत होता है, टेस्ट में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी होता है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। खूब अच्छे से हमने केचप को अप्लाई कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे ये हमारा कैरेट वाला मिक्सचर। और ये जो लास्ट वाला ब्रेड स्लाइस है, इसे इसको कवर कर देंगे। इसी तरह हम दूसरा सैंडविच बना लेते हैं। तो लीजिए, हमारा तैयार है ट्राई कलर पनीर सैंडविच। अब इसे हम काट लेंगे। और आप देखिए कितना जबरदस्त सा हमारा ट्राई कलर पनीर सैंडविच बनके तैयार है। इसे भी काट लेंगे। हमारे झंडे की पहचान को दर्शाता हुआ ये सैंडविच कितना खूबसूरत लग रहा है। जितना ये खूबसूरत है, उतने ही ज़्यादा ये टेस्टी भी है। चलिए इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। और आपको एक टिप्स मैं और दूंगी कि आप इसे थोड़ा और कलरफुल और ज़बरदस्त सा, अट्रैक्टिव सा बनाने के लिए जो ये ग्रीन चटनी है, इसको ऊपर से हल्का हल्का लेयर कर दीजिए, तो ये कलर बहुत खिल के आ जाएगा। हल्का हल्का सा हम ग्रीन चटनी लगा देंगे तो ये जो ग्रीन कलर है और ज़्यादा ज़बरदस्त आ जाएगा। और जो हमारे ये केचप है, ये इसको भी आप हल्का हल्का ऊपर से लगा देंगे, ये कलर बहुत ज़बरदस्त और खिल के आएगा। इसको हम प्लेट में डेकोरेट कर लेंगे। अब लग रहा है ना अट्रैक्टिव सा ट्राई कलर पनीर सैंडविच। चलिए आइए से हम डिश आउट करें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।